जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है तभी से रूस की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि आज वो कोलैप्स होने की कंडीशन में पहुंच चुका है। लेकिन पिछले 10 महीनों से समस्याओं से घिरे रूस ने भारत के साथ धोखा नहीं किया और अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेल कर भी भारत को अपना सबसे घातक हथियार देने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और अमेरिका की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशिया 2035 तक पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि रूस अपने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन को जल्दी ही भारत को देना शुरू कर देगा। और भारत की तरफ से 2015 में पहली बार ये अनाउंसमेंट हुई थी कि भारत रूस से एस-400 को खरीदने जा रहा है। अब जैसे अक्टूबर 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए, तो पीएम मोदी ने उसी टाइम $5.43 बिलियन की इस डील को साइन कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की कि वो रसिया से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ना खरीदे। और भारत ने अपने डिप्लोमेसी के दम पर अमेरिका को ही साइड कर दिया और अब भारत को एस-400 की तीसरी स्क्वाड्रन मिलने वाली है। और भारत को एस-400 की स्क्वाड्रन ऐसे समय पर मिल रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है और अब भारत रूस के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने स्वदेशी BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चीन और पाकिस्तान के सामने डिप्लॉय करने जा रहा है। इसलिए अब ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर भारत को एक सुरक्षा कवच में कैद कर देंगे, जिसके बाद दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कोई भी फाइटर जेट भारत में घुसने की हिमाकत नहीं करेगा। आपको बता दें कि रसिया का एस-400 ट्रंप दुनिया का सबसे एडवांस तकनीकी वाला लेटेस्ट लॉन्ग एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और रसिया के इस घातक एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के खतरनाक से खतरनाक स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल एयरक्राफ्ट और फिर चाहे स्टील्थ जेट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और फायरिंग जैसी कंडीशंस में भी किसी भी एयर टारगेट्स को हिट कर देगा। और रिसेंटली दुनिया भर के कई देशों ने ये भी दावा किया है कि भारत अब रूस से एस-400 के बाद S-500 को भी खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा है। लेकिन धुएं की तरह फैल रही ये खबरें एक मजबूत बेस नहीं रखती, क्योंकि भारत और रसिया की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है। फिलहाल भारत अपने BMD सिस्टम को S-400 के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉय करने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।